आंध्रा खट्टा ये विलेज का न्यू वर्जन है, और इसके लिए चाहिए हरा मिर्चा, थोड़ा सा प्याज और ये सब्जी। उसके लिए चाहिए मिर्ची और पांच फोरन, जीरा और हल्दी, नमक और सूखा मिर्ची। फिर हम कढ़ाई के तरफ जाएंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, थोड़ा सा ऑयल देंगे, सरसों का ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डाला। थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के टाइम लगेगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम डालेंगे। अब तेल गर्म हो गया है, उसमें पड़ेगा पांच फूरन, थोड़ा पांच फूरन डालेंगे। उसके बाद डालेंगे सूखा मिर्ची, उसके बाद डालेंगे जीरा, उसके बाद डालेंगे प्याज, उसके बाद डालेंगे प्याज, उसके बाद डालेंगे हरा मिर्च, इसको मैरिनेट करेंगे प्याज थोड़ा हल्का लाल होने तक। इसको मैरिनेट करेंगे प्याज हल्का लाल होने तक। अब प्याज हल्का मैरिनेट हो गया है, अब पड़ेगा मिर्च पाउडर, अब पड़ेगा मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर पड़ेगा। उसके बाद हल्दी, हल्दी सब्जी के अनुसार, और हल्का नमक, और इसको हल्का फिर थोड़ा मैरिनेट करते रहेंगे 2 से लेकर 3 मिनट तक। उसके बाद हल्का पानी डालेंगे, हल्का पानी डाल के इसको थोड़ा मसाले को हल्का गरम कर लेंगे, मसाला को थोड़ा 2 से 3 मिनट तक गरम कर लेंगे। उसके बाद हम सब्जी डालेंगे, और सब्जी के ऊपर स्वाद अनुसार नमक दीजिएगा, नमक डालेंगे। उसके बाद थोड़ा हम इसको 3 से 4 मिनट तक हम इसको ऐसे कढ़ाई से जल्द करेंगे, और इसके बाद डालेंगे सूखा इमली, सूखा इमली बस बता रहा हूँ, मैंगो, सूखा मैंगो, सूखा मैंगो डालेंगे, जो गांव में अचार होना चाहिए ना सूखा। तो फिर लेंगे स्वाद के अनुसार मैंगो, सूखा हुआ मैंगो, और उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, पानी डालो, इसको मिलाएंगे, फिर उसको मिलाएंगे। ये है मैंगो पानी, आप सब्जी में डालेंगे, अब इसमें पानी मिला के डालेंगे। इसमें पानी मिला के डालेंगे, फिर इसको 10 मिनट तक हम छोड़ देंगे। अब हमारा रेसिपी तैयार हो गया है, अब चलेंगे खाने की तरफ, कैसा टेस्ट है बताएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट है अच्छा बनाया है, अच्छा है। रेसिपी अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।